हेलो गाइस, मेरा नाम सुरेंद्र यादव है। तो हमारे इस ऑटोकैड के इस क्लास में आपका स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे ये जो है ऑटोकैड का पहले लेक्चर है, तो इसमें हम देखेंगे ऑटोकैड क्या है। ठीक है, तो ये डायग्राम्स है, ऐसे डायग्राम्स हम ऑटोकैड में बना सकते हैं। ऑटोकैड जो है सिविल, मैकेनिकल और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए यूज़ में आता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन जो है हम बना सकते हैं। और जैसे आपको जैसे पता होगा, जैसे वायर फ्रेम क्या होते हैं, वायर फ्रेम हो गया, सॉलिड फ्रेम हो गया, ऐसे जो मॉडल्स हैं उनको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विंडो जो है रिसेंट डॉक्यूमेंट से जो हमने ओपन किए थे, बनाए थे, तो आपको यहाँ पर ओपन दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो स्टार्ट बॉटम दिख रहा है, और ये ऑटोकैड डेस्क का जो है 2021 का वर्ज़न है। तो इसमें देख सकते हो यहाँ से फाइल ओपन कर सकते हो, ओपन अ शीट सेट ओपन कर सकते हो, और ये साइड में कुछ नोटिफिकेशन है, और यहाँ पर लॉगिन दिख रही है। तो लॉगिन का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 1 ईयर का जो है फ्री अकाउंट कैसे बनाते हैं, अगर ये जानना है तो मेरे दूसरे लिंक को देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देख सकते हो जैसे ये यहाँ पर चालू हो गया है। तो वैसे तो देखो थोड़ा सा स्लो है, बट देखो फर्स्ट टाइम क्या करना रहता है हमको, पहले यूनिट, तो हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो हमको यूनिट तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो जैसे कि हम यूनिट इसमें सर्च करते हैं, तो देखो यूनिट आ जाता है, तो इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ड्राइंग यूनिट का जो है एक ये पैनल खुलता है। ठीक है, तो इस बोर्ड में आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मिलीमीटर्स, माइल्स, इंचेस है, फीट है, अलग अलग किलोमीटर्स है, माइक्रो इंचेस है। तो अलग अलग इसमें फील्ड में जो है हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे देखो तो मैकेनिकल का जो काम रहता है वो मिलीमीटर्स में ज़्यादातर रहता है, माइल्स, किलोमीटर ये सब सिविल इंजीनियर्स के लिए रहता है, क्योंकि बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन रहते हैं तो उनके मीटर्स में ही गिनते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर पहले मिलीमीटर सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप देख सकते हो ये हो गया। दूसरा हमें एक विंडो सेलेक्ट करना पड़ता है, मतलब हम जितने एरिया में वर्क करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लिमिट कमांड का यूज़ करते हैं। लिमिट, जैसे हम लिमिट को सेलेक्ट करेंगे तो देखोगे यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे नंबर आपको दिख रहा होगा, तो हम इसमें पहले करते हैं 100 बाय 100 का। तो देखो 100 किया मैंने। अब इसमें जो है आप कैसा कॉमा कर सकते हो, या फिर इंटर दबा सकते हो, कॉमा को दबाओ फिर इधर आ जाएगा। और सॉरी, पहले जो है ना मैं इसको जो है वो लिमिट एस्केप, पहले हमें इसे 0.0 करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई पॉइंट यहाँ से चालू होता है तो जो 0.0 होता है। ठीक है, सो 100, फिर कॉमा 100, और फिर इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो इससे सिलेक्ट होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिलेक्ट हुआ कहाँ है, तो इसके लिए आपको जेड दबाना पड़ेगा, जूम होगा, फिर ए दबाओ, फिर इंटर मारो। तो आप देख सकते हो इतने एरिया हो गया सिलेक्ट। अभी इसके लिए मैं आपको एक ड्रॉ बनाता हूँ। जैसे लाइन कमांड लेते हैं हम, कुछ इधर बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया सिलेक्शन, स्किप दबाएंगे, ये हो गया एक सिलेक्शन। अब समझ लो ये, इसको हम कहीं और रख देते हैं, और हम कहीं और ही हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम जेड दबाएंगे, जूम करेंगे, ए दबाएंगे, और ऐसा करेंगे, देखो आ गया। तो इसका जो डिस्टेंस है वो सेम है, जैसे कि डायमेंशन, डायमेंशन लेके देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन देखो कितना है, 99.59, मतलब 100 ही है टोटल अगर देखा जाए अच्छे से तो। ठीक है, 100 बाय 100 का हमने वो लिया है। तो ये एक तरीके से सेलेक्ट करने का ये तरीका होता है। तो इतने एरिया में हम काम कर रहे हैं करने के लिए। ठीक है, तो अभी के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।